Welcome to the Tech Gurukul. Today's unit is number 4, Effect of Electric Current for Class 10th SSC Board Maharashtra New Syllabus. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा page 47 से लेके page 48 तक. पहला क्वेश्चन है, How do we decide that a given material is good conductor of electricity or is an insulator? आपसे ये पूछा गया है कि मान लीजिए कि दो मटेरियल है, मटेरियल X और मटेरियल Y. आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्या होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करें वन डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए सबकी, तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पे मूव करना है जो के वन डायरेक्शन है जो के. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बेसिक क्या है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो किसे आप मूव कराएंगे और किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे. तो अब वापस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे. तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फ्री इलेक्ट्रॉन. जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. तो मटेरियल एक्स में और वाई में जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. मान लीजिए कि मटेरियल एक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हो जाएगा गुड कंडक्टर. और सेकंड सिनेरियो, मान लीजिए कि वाई में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा. और बैड कंडक्टर का एक नाम है, वो है इंसुलेटर. फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें चाहिए गुड कंडक्टर, और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा. गुड कंडक्टर में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, बट बेसिकली हम लोग को अगर वायर बनाना होता है तो हम कॉपर और अल्मोनियम का यूज करते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, पहला सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो ये सस्ते होते हैं. तो इन दोनों वजह से हम इनका यूज करते हैं ज्यादातर वायर में. उसके अलावा अब आते हैं इंसुलेटर पे. इंसुलेटर आपने बहुत सारी चीजें देखी है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता है, जैसे प्लास्टिक का कोई मटेरियल आप देख ले उसमें करंट फ्लो नहीं करता. आप अगर कोई लकड़ी देख ले उसमें भी करंट फ्लो नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका इंसुलेटर. नाउ क्वेश्चन 2, आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड Why don't we get electric shock? इनका कहना यह है कि जो आयन होता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये ट्रू है, ठीक है. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है कि जब अगर आप उससे करंट पास कराएंगे तो उसके अंदर से करंट पास होगा. करंट पास क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो आयन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसके अंदर से भी करंट फ्लो होगा. बट अगर हम एक ऐसा केस लें कि आयन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड है, दैट मींस अगर कहीं पे पड़ा हुआ है और आप उसे उठाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, ये इनका क्वेश्चन है. फिर से समझते हैं, आयन के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही कोई आयन रखा हुआ है तो उससे हमें करंट क्यों नहीं लगता. तो इसका आंसर ये है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए दो तीन रूल होते हैं. पहला रूल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ये फुलफिल करता है आयन. आयन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा हीट देंगे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. उसके अलावा उसके अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने चाहिए और वन डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, ठीक है. अब मैं आयन का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं होता क्या है. इसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे ही आप हीट देते हैं इसको, हीट देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा हीट दें, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो ये इतनी हीट होती है कि इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव करने लगते हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगते हैं, कुछ इधर, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता. इसकी वजह यह है कि कोई किसी पे फोर्स नहीं लगाता, तो सब अपने हिसाब से मूव करने लगते हैं. तो हमें क्या चाहिए, हमें मूव तो कराना है बट वन डायरेक्शन में कराना है. तो वन डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें चाहिए होती है एक बैटरी. बैटरी का काम क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ मूव कराना काम होता है, पहला सिनेरियो. और दूसरा सिनेरियो यह है कि कोई भी करंट सिर्फ एक सर्किट में, दैट मींस क्लोज सर्किट में ही मूव करता है. इसका मतलब ये कि जो सर्किट है कहीं से भी ओपन नहीं होनी चाहिए. जबकि एक अगर मैं सिर्फ एक मेटल को ले लूं, दैट मींस
ग्राउंड पे रखे किसी आयन को ले लो, तो ना उसमें बैटरी होती है, बैटरी का काम क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड में मूव करे, दूसरा उनके चारों तरफ कोई वायर नहीं होता है और वायर का काम क्या होता है एक सर्किट कंप्लीट करना, तो ये दोनों सिनेरियो नहीं होते हैं, इसीलिए उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती और इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इसके बाद आपके बुक में कुछ फिगर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है वो किस तरह का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे कि लैंप का फिगर है, टेलीविजन का फिगर है, फैन का है और बेल का है, तो एक एक करके समझते हैं। लैंप में तो आजकल बहुत सारी चीजें आने लगी हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल बल्ब लेता हूं। बल्ब में क्या होता है, कुछ इस तरह का मटेरियल लगा होता है, आपने भी देखा होगा। जब इसमें से करंट पास होता है तो जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जोर जोर से जाके इस मटेरियल पे टकराते हैं, तो क्या होता है टकराने की वजह से उसमें हीट होता है, पहले वो रेड होता है, देन वो पीला होता है एंड देन वो चमकने लगता है, तो वो जो चमकता है उसे हम लाइट के तौर पर समझते हैं। तो ये किस वजह से हुआ है, ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल पे जोर जोर से टकराता है और जिसके वजह से हीट होता है, पहले वो रेड एंड देन येलो होता है। नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज फैन। फैन में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक पावर जनरेट करते हैं, जो हम आगे जाके इसी क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट पावर कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहां पर इतना समझते हैं कि हमने समहाउ क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक पावर जनरेट कर लिया और उस मैग्नेटिक पावर से हम लोग मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर लेते हैं, तब जाके आपका फैन इस तरीके से घूमने लगता है। तो यहां पे क्या होगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट या मैकेनिकल इफेक्ट, दोनों आप दोनों आंसर सही रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या हो रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट हो रहा है। नाउ कम टू द बेल। बेल में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सिमिलरली यही यहां पे भी वही केस है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फोर्स बनता है और मैग्नेटिक फोर्स से मैकेनिकल फोर्स बनता है। क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि दो चीजें हैं, वो आपस में ऐसे ऐसे टकराने लगती है मैकेनिकल फोर्स की वजह से, और जब टकराती है तो क्या होता है, साउंड आने लगता है, तो फिर आपको साउंड सुनाई देता है। तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, साउंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। नाउ कम टू द टीवी। एक्चुअली टीवी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि यही इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं, टीवी जो है जनरली सीआरटी पे वर्क करती है। सीआरटी का मतलब हुआ कैथोड रे ट्यूब। ये एक ट्यूब होता है कुछ इस तरीके का, यहां से इलेक्ट्रॉन फायर होता है, ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स से एक लाइट निकलती है और वो जो लाइट निकलती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो बहुत सारा लाइट निकलता है वो आपको यहां से दिखता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बाय द इलेक्ट्रॉन्स ये सीआरटी वर्क करता है, बट आफ्टर ऑल हमें क्या देता है, ये हमें देता है साउंड एंड डिस्प्ले। तो चलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि इस इफेक्ट से हमें क्या मिलता है, साउंड मिलता है और डिस्प्ले मिलता है। नाउ हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का एंड पावर का। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका लोड है, ये स्विच है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, करंट किधर से फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करने का एक रूल होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव होता है वो होता है हायर और जो निगेटिव होता है वो होता है लोअर। तो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा, तो इधर से लेके इधर तक फ्लो करेगा, तो करंट इधर से यहां तक, यहां से यहां तक वापस जाएगी। ये जो बैटरी की फोर्स है 9 वोल्ट, इसका एक नाम भी है, वो है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज 9 वोल्ट। उसके अलावा इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा 9 वोल्ट। यहां पे हमें यह बताना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का 9 वोल्ट है। जैसे कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ले तो वो 9 वोल्ट नहीं है। हमें कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव से लेकर बैटरी के निगेटिव तक। अगर आपने यहां से यहां तक लिया तो वो 9 वोल्ट नहीं होगा। 9 वोल्ट तभी होगा जब आप एक पॉइंट ले बैटरी के पॉजिटिव पे और दूसरा पॉइंट ले बैटरी के निगेटिव पे। तो यहां चलिए मैं एक नाम दे देता हूं ए और यहां पे बी, तो मैं ऐसा लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए
टू बी इक्वल टू 9 वोल्ट। और जब मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 9 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक चार्ज पार्टिकल, माइंड इट, एक चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगी, यहां तक आएगी, और वो टोटल वर्क कितना करके देगी? तो आंसर है 9 जूल वर्क करके देगी। कौन वर्क करके देगा? 1 चार्ज वर्क करके देगा। अगर यहां पे 10 वोल्ट होता तो कितना वर्क करके देता? तो आंसर है 10 जूल वर्क करके देता। अगर यहां पे 100 वोल्ट होता तो कितना वर्क करके देता? तो देता 100 जूल वर्क करके देता। कौन करके देता? एक चार्ज करके देता। कितने भी चार्ज यहां से जाने दीजिए, 100, 50, 200, कितने भी, हर एक चार्ज आपको वर्क करके देगा 9 जूल का। मान लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दो चार्ज यहां से निकले तो कितना वर्क करके देंगे। अगर एक चार्ज 9 जूल वर्क करके देता है तो एक चार्ज 9 जूल वर्क करके दिया, दूसरा भी चार्ज 9 जूल वर्क करके देगा, टोटल कितना देगा? 18 करके देगा। तो हो जाएगा 18 जूल। ये क्या है? वर्क है आपका, ठीक है। मान लीजिए कि 3 चार्ज निकले तो कितना वर्क करके देंगे? पहले ने 9 दिया, दूसरे ने 9 दिया और तीसरा भी 9 देगा, टोटल हो जाएगा 27। तो 27 जूल वर्क करके मिलेगा। ये सब किसके लिए मिल रहा है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो यहां से लेके यहां तक का। ये तो हो गया समझने के लिए, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस का, फॉर्मूला तो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें पता है 9 वोल्ट हर बार आपको दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो उसके लिए कौन कौन आएगा? उसके लिए आएगा आपका वर्क, क्योंकि वर्क से ही आपका डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड चार्ज, चार्ज से आपका डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक चार्ज ने कितना वर्क करके दिया है। अगर हमने संभव निकाल लिया कि एक चार्ज ने कितना वर्क करके दिया तो वो हमारे काम का हो जाता है। जैसे देखिए, 1 चार्ज ने 9 जूल वर्क करके दिया तो 9 जूल 9 वोल्ट मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन अगर हमारे पास 2 चार्ज है तो वैल्यू कितना आता है? 18 जूल का वर्क आता है। तो ना यहाँ पे 2 मैच कर रहा है ना 8 मैच कर रहा है, जबकि वोल्ट अभी भी उतना ही है, 9 वोल्ट ही है। सिनेरियो थर्ड में आइए, यहाँ पे 3 चार्ज हो गए, वर्क 27 चार्ज हो गया, बट इसमें से कुछ भी 9 वोल्ट जैसा नहीं मिल रहा है। पहले सिनेरियो में पूरी तरीके से मिल रहा था जब एक चार्ज था। तो अगर समहाउ मैंने एक चार्ज का निकाल दिया तो हमारा काम बन सकता है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके कई तरीके हैं। अगर आप जो वर्क हुआ है उसमें से नंबर ऑफ आइटम अगर आप डिवाइड कर दे, दैट मींस 18J, क्या था वर्क आपका? 18J डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या है? 9। मैच करिए, बराबर आ रहा है, आंसर है यस। अगर जो वर्क है 27 उसे आप डिवाइड करिए नंबर ऑफ चार्ज से तो आंसर आ रहा है 9, आंसर है यस, आ रहा है। तो क्या हम इसके लिए कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? यकीनन बना सकते हैं। जैसे अभी तक हमें यह पता चल चुका है कि ऊपर में W आता है और नीचे में चार्ज आता है, ठीक है। मान लीजिए वर्क है W, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे कि 10 जूल अगर वर्क है, 20 जूल अगर वर्क है, तो कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है, एक ऐसा वेरिएबल भी हो सकता है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं? W जूल। तो यहां भी मैंने लिख दिया W जूल। और उसी तरीके से जैसे चार्ज है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या वट एवर कितना भी नंबर हमें पता नहीं, तो हम उसके लिए भी एक वेरिएबल डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने वेरिएबल डाला Q, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जैसे वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज जो भी चार्ज है 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज उनका यूनिट होता है कूलम। तो फॉर्मूला क्या हमने निकाला था? वो था वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या है? W, एंड चार्ज क्या है? Q। इनका यूनिट क्या है? जूल, एंड इसका यूनिट क्या है? C। अब ये किसका वैल्यू है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस A से लेके B तक का। याद करिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वो होता है वोल्ट। तो ये जो यूनिट बना है जूल अपॉन कूलम, ये क्या आपको देगा? ये वोल्ट ही देगा आपको। तो हमने ये भी सीखा
कि वोल्ट बराबर होता है जूल अपॉन कूलम। ये था एक लंबा तरीका आपको सिखाने का, एक शॉर्टकट भी है मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर क्यू चार्ज वर्क करके देता है डब्लू, ओके, क्यू चार्ज वर्क करके देता है डब्लू, तो वन चार्ज कितना वर्क करके देगा? यूनिटरी मेथड क्या हो जाएगा? डब्लू अपॉन क्यू। तो ये भी फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में आपके लिए क्या जरूरी है? वो जरूरी ये है कि आपका जो भी वर्क हो वो वन चार्ज का होना चाहिए। अगर आपने वन चार्ज का वैल्यू निकाल लिया तो वो आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। वन मोर थिंग, मान लीजिए कि एक सर्किट है, आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहीं से कहीं तक का भी निकाल सकते हैं। आप यहां से लेके यहां तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम सी है और इसका नाम डी है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सी टू डी इक्वल टू, वही फॉर्मूला आएगा, वर्क अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। अगर आपको दिया गया है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितना वर्क होता है आपको दिया गया है और नंबर ऑफ चार्ज भी आपको दिया गया है, तो आप आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। नाउ करंट, करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए एक सर्किट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये करंट आई फ्लो हो रहा है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक आपका करंट फ्लो होता है, तो यहां से लेके यहां तक आपका करंट फ्लो होगा। अब हमें डिफाइन करना है कि करंट क्या होता है। मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि I इक्वल टू 2 एम्पियर दिया गया है, 3 एम्पियर दिया गया है, 10 एम्पियर दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए, ये पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए, और आपका बस एक ही काम है, आपको ये बताना है कि हर एक सेकेंड में कितने चार्ज यहां से होके जाते हैं। मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और आपने देखा एवरी सेकेंड यहां से 2 चार्ज होके जाते हैं, तो आपने बताया यहां का करंट है 2 एम्पियर, ठीक है। मान लीजिए आपने एक दूसरा सर्किट लिया और वहां पे आपने देखा कि हर एक सेकेंड में 3 चार्ज जा रहे हैं, तो आपका आंसर होगा करंट इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आपके लिए यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यहां पे करंट का फॉर्मूला बनाने के लिए पता होना चाहिए नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज आता है उसी के हिसाब से आप करंट बनाते हैं। दूसरा सेकंड, दैट मींस टाइम, ये दो चीजों से आप क्या बना रहे हैं? करंट बना रहे हैं। सेकंड सिनेरियो, मान लीजिए कि हर एक सेकंड आपको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप एक काम करते हैं, आप 10 सेकंड में कितना चार्ज मूव किया वो आपने फाइंड आउट किया। मान लीजिए कि 100 चार्ज मूव किया 10 सेकंड में, तो क्या अब आप करंट निकाल सकते हैं? आंसर है यस। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक सेकंड में कितने चार्ज जा रहे हैं ये काउंट करना है। आपके पास टाइम है, आपके पास नंबर ऑफ चार्ज है, आप बस यही फर्क है कि आपको अभी 10 सेकंड दिया है, आपको 1 सेकंड के लिए निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, अगर 10 सेकंड के लिए 100 चार्ज है तो 1 सेकंड के लिए क्या होगा? 100 अपॉन 10। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। यहां पे टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इसका आंसर क्या होगा? 0 से 0 कट हो गया 10 सेंटीमीटर कूलम पर सेकंड। ये जो कूलम पर सेकंड है इसका एक यूनिट नाम दिया गया है, वो क्या है? एम्पियर। तो आपने निकाल लिया एक सेकंड के लिए 10 एम्पियर। तो ये तो हो गया वैल्यू के लिए। क्या हम इसके लिए कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। जैसे आपने ये वैल्यू निकाला है उसी से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे यहां 10 सेकंड किसके बदले दिया था आपने? टाइम के बदले दिया था, तो यहां लिख दे टी। यहां पे क्या था? नंबर ऑफ चार्ज था, तो 100 हो गया, 200 हो गया। इसे एक वेरिएबल का नाम दे देता हूं, लिखता हूं क्यू चार्ज। तो 1 सेकंड के लिए क्या होगा? वही सेम रूल यूनिटरी मेथड का, ऊपर आएगा क्यू और नीचे आएगा टी। यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकंड, और इसका दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तो इसे समझना बहुत ही आसान था। अगर हम शॉर्टकट में समझे तो आपने कई बार यह सुना होगा कि करंट क्या होता है? चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड। उसी तरीके से
आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी सुना होगा, वो क्या था? वर्क पर चार्ज। पर का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो वही मैंने आपको करके दिखाया। नाउ पावर, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए किसके पास ज्यादा पावर है। एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। दोनों को मैंने वन वर्क दिया, दोनों को एक साथ दिया। एक्स ने उसे खत्म किया 10 डेज में और वाई ने खत्म किया 5 डेज में। तो पावर किसके पास ज्यादा होगा? तो आपका आंसर होगा वाई के पास ज्यादा पावर होगा। एनालिसिस करते हैं क्यों। वर्क दोनों के पास सेम था, बट इसने खत्म किया 10 डेज में और इसने खत्म किया 5 डेज में। Y ने कम टाइम में खत्म किया, इसीलिए इसका पावर ज्यादा होगा। तो हमें यहां पर एक चीज तो समझ में आई कि अगर हमें पावर का फॉर्मूला कुछ तो बनाना है तो हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए और दूसरा टाइम चाहिए। अब आते हैं सर्किट पे। अगर आपको पावर मेजर करना है तो दो चीजें तो आपको पता है कि कौन कौन सी करनी पड़ेंगी। पहला है वर्क और दूसरा है टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क मेजर करना पड़ेगा, कितना वर्क हुआ। तो मान लीजिए W वर्क हुआ, कितने टाइम में हुआ ये आपको मेजर करना पड़ेगा, दैट मींस डिवाइडेड बाय T। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड में कितना वर्क करना होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। मान लीजिए कि 100 वर्क करता है, 100 जूल का वर्क करता है, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। और कोई दूसरा 20 सेकेंड में 200 जूल का वर्क करता है। अगर मैं पूछूं कि किसका पावर ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा? कि आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये किसी प्रॉपर फॉर्मूले में नहीं है, ये वैल्यू अलग अलग है। तो कंपेयर करने के लिए हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए होगा जिससे हम अच्छी तरीके से पता कर सके कि पावर क्या है। तो उसका एक आसान सा तरीका है, पर सेकंड निकाल दीजिए, हर सेकंड जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो हम लोग निकाल देते हैं, एक सेकंड के लिए क्या होगा? 200 अपॉन 20 कट हो गया, 2 से कट हो गया, ये हो गया 10। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 सेकंड के लिए 100 अपॉन 10, तो हो जाएगा 10। तो यहां पे हमने क्या देखा, दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा। उसके अलावा हमें यह बात समझ में आई कि हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। तो हमारे ये फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम। लेकिन बात यहां पे हम किसके बारे में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो वर्क लिखे या आप एनर्जी लिखे, बोथ आर सेम, क्योंकि कितनी एनर्जी यहां से पास हो रही है या कितना वर्क करके दे रहा है, दोनों सेम बात हुई। लेकिन यहां पर हम एनर्जी प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लोड लगा है तो यहाँ कितना वर्क उसने करके दिया, तो ये कैलकुलेट करना इज गुड। बट अगर किसी ऐसे पॉइंट पे हम खड़े हैं जहां पे कोई लोड नहीं है, तो वहां पे ऐसा कहना कि कितना वर्क करके दिया इज नॉट गुड। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? एनर्जी बाय टाइम। फिर भी अगर आप वर्क लिखते हैं तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। कम टू द नेक्स्ट। नाउ अब आपके बुक में एक इलेक्ट्रिक सर्किट दी गई है, हम लोग इस इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आते हैं वोल्ट मीटर पे। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम ये होता है किसी भी दो जगह के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर अगर मैंने यहां से लेके यहां तक लगाया, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरीके से अगर मैं ए और बी के बीच में ये वोल्ट मीटर लगाऊं तो ये क्या पता कर लेगा? ये पता कर लेगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट मींस बी ए बी। ठीक है, अब इसका कोई रूल होता है क्या कि इसे किस तरीके से लगाया जाए? तो आंसर है यस। आपको पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है? करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक, दैट मींस पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक मूव करता है करंट। उसी तरीके से जब करंट इधर से आएगा तो उसे भी कैसा पाथ चाहिए? हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल का पाथ चाहिए। तो ये जो डिवाइस होती है इसमें एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो हमें कैसा लगाना पड़ेगा? ऊपर लगाना पड़ेगा हायर पोटेंशियल, दैट मींस पॉजिटिव, और नीचे लगाना पड़ेगा निगेटिव, दैट मींस लोअर पोटेंशियल। तो यहां से करंट आराम से पास कर सकती है क्योंकि करंट रूल फॉलो करती है हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल का। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला हमने निकालना भी सीखा है, वो क्या है? वर्क अपॉन
चार्ज। यहां पे वर्क किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसी वर्क को रिप्रेजेंट करेगा जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया है। आपने किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया है, ए से लेके बी तक के बीच का। तो जो वर्क होगा वो होगा ए से लेके बी तक के बीच का। ओके, नाउ कम टू द एमीटर। एमीटर का काम ये होता है कि किसी भी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको एमीटर बताता है। जैसे मान लीजिए एमीटर आपने यहां पे लगाया तो यहां पे कितना करंट पास कर रहा है, मान लीजिए अगर उसका वैल्यू 2 एम्पीयर है तो ये एमीटर आपको बताएगा कि ये 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। तो इसका भी क्या रूल होता है, इसका भी वही रूल होता है कि हायर पोटेंशियल वाला पार्ट दैट मीन पॉजिटिव वाला पार्ट हम ऊपर लगाएंगे और जो लोअर पोटेंशियल वाला पार्ट है वो हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि करंट का रूल होता है फ्लो करने का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका एक फॉर्मूला है वो आपको पता है, वो क्या है, करंट का इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है करंट का। नाउ कम टू द रेसिस्टर। रेसिस्टर का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है, रेसिस्टर का मतलब होता है रेसिस्ट करने वाला। जैसे कि करंट जब यहां से फ्लो करती है तो ये वाला जो पार्ट है ये उसे रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। फिर से एक बार समझते हैं कि करंट यहां से जब पास करता है तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है रेसिस्ट करता है करंट को, बट इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये करंट को रोक सके यहां से लेके यहां तक जाने में, बट ये रेसिस्ट तो करता है। तो रेसिस्ट करने से क्या होता है, ये करंट जोर जोर से इन रेसिस्टर पे टकराती है और टकराने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देखा होगा। जैसे बल्ब, बल्ब में जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है, रेसिस्टर होता है। वो क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता तो करंट उसे जोर जोर से टकराती है। और जिसके बदन का पार्ट होता है वो क्या होता है, रेसिस्टर होता है। वो क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता तो करंट उसे जोर जोर से टकराती है। और जिसके बदन का पार्ट होता है वो क्या होता है, रेसिस्टर होता है। वो क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता तो करंट उसे जोर जोर से टकराती है। और जिसके वजह से हीट जनरेट होता है और वो हीट इतनी बढ़ जाती है कि वो लाइट के रूप में आपको दिखाई देने लगती है। उसी तरीके से हीटर में भी वही होता है, रेसिस्टर लगा हुआ होता है एंड देन करंट उससे जोर जोर से टकराती है और आपको हीट जनरेट करके देती है। तो ये हो गया रेसिस्टर। रेसिस्टर का भी एक फॉर्मूला होता है, वो है बी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ भी कहलाता है। अब हम यहां पे समझते हैं आर कहां पर है, आर है यहां पर, आई कहां का होगा, यहां से जो आई गुजरा वो होगा आई। उसके अलावा ये जो बी है दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहां कर होगा, ये वहीं का होगा जहां से लेकर जहां तक ये रेसिस्टर है, दैट मीन्स ए से लेके बी तक ये रेसिस्टर है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ए से लेके बी तक का होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, बी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आप चाहे आर का वैल्यू निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं, बी ए बी इधर ही रहेगा और आई इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। नाउ कम टू द हीट। जैसे कि इनका कहना यह है कि रेसिस्टर कितना हीट जनरेट करके देगा, दैट मींस हीट कहां पे जनरेट हो रहा है, ए से लेके बी तक के बीच में हीट जनरेट हो रहा है। तो क्या ये वर्क और एनर्जी के बराबर होगा, आंसर है यस। लेकिन कहां से लेके कहां तक के वर्क और कहां से लेके कहां तक के एनर्जी के बराबर होगा, तो इसका आंसर है ए से लेके बी तक के बीच का जो वर्क होगा ये बराबर होगा हीट के। सिमिलरली ए से लेके बी तक के बीच का एनर्जी बराबर होगा हीट के। फिर से समझते हैं, जो वर्क करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आने में वो अलग होगा, और वही चार्ज पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जो वर्क करेगा वो अलग होगा। और यहां से लेके यहां तक वर्क करने वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल बराबर होगा हीट के, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, जो वर्क कर रहा है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली जो एनर्जी लेके आता है यहां पर चार्ज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर हम वर्क और हीट को आपस में रिलेट करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि कहां से लेके कहां तक का वर्क। अगर आप ऐसा कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक का वर्क बराबर है इस हीट के, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। हमें कुछ वर्क के फॉर्मूले भी पता है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर आप यहां पे ही देख ले तो अगर ये वर्क को मैं अलोन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्यू इधर चला जाएगा और हो जाएगा क्यू इंटू वी ए बी। एक वर्क का फॉर्मूला हमें इस तरीके से पता है।
दूसरा हमें पता है पावर के रिस्पेक्ट में, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पे एनर्जी क्या है, वर्क के बराबर है, या कहे तो हीट के बराबर भी है। तो यहां पे एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टाइम, ये हो जाएगा आपका एनर्जी। तो ये दो फॉर्मूले हमें पता है। कम टू द नेक्स्ट, अब हम लोग फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए अगर आपको वर्क निकालना है, मान लीजिए ये वाले पार्ट का वर्क निकालना है, तो ये वाला वर्क किसके बराबर होगा, एनर्जी के भी बराबर होगा, और ये वाली जो एनर्जी है किसके बराबर होगी, जितना यहां पर हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो हीट भी हम इसे कह सकते हैं। ये निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे आप यहां पे जाएं, वर्क के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस और आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ चार्ज। उसी तरीके से आपके पास और वर्क या एनर्जी किधर है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो एनर्जी के लिए हमें चाहिए टाइम और हमें चाहिए पावर। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका इस सर्किट में, आपको यहां से लेके यहां तक का हीट निकालना है और आपको दिया हुआ है करंट इक्वल टू 5 एम्पियर और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है वो क्या है 5 ओम। तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू है, टी है, पी है, लेकिन ना ही वहां पे आर है और ना ही आपका आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की जरूरत है जिसमें हम हीट, वर्क या एनर्जी डिफाइन कर सके आई और आर के रिस्पेक्ट में। तो अब ये डेरिवेशन आपके बुक में दिया गया है, तो हम समझते हैं कि इसे कैसे प्रूफ किया गया है। सबसे पहले आपको लिया गया है ये पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पे एनर्जी को डिफाइन कर दिया गया है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू से। कैसे, समझते हैं। जैसे कि यहां पे एनर्जी बराबर है किसके, वर्क के बराबर है, तो वर्क बराबर क्या होता है, क्यू को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो हो जाएगा बी ए बी इंटू क्यू। तो यहां पे हो गया बी ए बी इंटू क्यू और टी पहले से था। उसके अलावा क्यू और टी का अगर मैं कॉम्बिनेशन देखता हूं कहां पर है, तो मुझे मालूम चलता है कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो मैंने लिख दिया बी ए बी इंटू आई। अगेन मैं आता हूं हीट पे, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल निकालना क्या है, हमें हीट ही निकालना है। तो हीट किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। तो हीट बराबर क्या हो जाएगा, ये टी इधर चला आएगा, तो हो जाएगा हीट इक्वल टू पी इंटू टी। हम ऐसा लिख सकते हैं हीट इक्वल टू, जो बराबर है एनर्जी के, पी इंटू टी। अभी अभी हमने पी का वैल्यू निकाला था, वो क्या था, बी ए बी इंटू आई, तो हम लिख देंगे बी ए बी इंटू आई, और यहां पहले से टी बाकी था तो आ गया आपका टी। उसके अलावा आपको चेंज किस में करना है, आपको चेंज करना है आई में, तो चेंज हो गया है, आपको आर भी चाहिए, क्योंकि आपको यहां पे क्या दिया गया है, आर दिया गया है। तो हीट का फॉर्मूला अगर आर के भी रिस्पेक्ट में हो तो अच्छा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो अब हम यहां पे दो चीज कर सकते हैं। पहला, हमारे पास ये चीज दी गई है, यहां पे हम बी ए बी के बदले वैल्यू पुट कर दे आई इंटू आर। तो हमने यहां पे कर दिया बी ए बी के बदले आई इंटू आर। उसके अलावा क्या बचा हुआ है, आई इंटू टी बचा हुआ है, तो आई इंटू टी बचा हुआ है। फिर से समझते हैं, बी ए बी के बदले हमने क्या दिया, आई दिया और आर दिया, और आई और टी पहले से बचा हुआ है। तो अब ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको ना चेंज करके आई को चेंज कर दें। आई को चेंज करने के लिए हमें आई का वैल्यू चाहिए होगा, तो इसमें से मैं आई का वैल्यू निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा बी ए बी अपॉन आर। तो मैंने यहां पे आई का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी अपनी जगह पे रहेगा और आई के बदले आ जाएगा। फिर से समझते हैं, बी ए बी अपनी जगह पे था, आई के बदले क्या आ गया, बी ए बी अपॉन आर, और टी पहले से था तो यहां पे हो गया टी। अब बी ए बी, बी ए बी बन जाएगा क्या, बी स्क्वायर ए बी, टी ऊपर में था तो टी यहां पे है और आर नीचे था तो ये आर यहां पे है। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यही कहलाता है आपका, इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखे ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना मैं शॉर्टकट में भी कर सकता था, बट कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है।
और चेक करने वाले हमेशा ये चाहते हैं कि जैसा बुक में दिया गया है डेरिवेशन आप बिल्कुल वैसा ही बनाए, तो इसीलिए मैंने भी इसमें कोई चेंज नहीं किया है, आप भी इसे ऐसे ही याद कर लें। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था कि पावर का फॉर्मूला एक और होता है, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और जो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि पावर का यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर? तो आंसर है यस। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिट हम बना सकते हैं, चेक करते हैं कैसे। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, बट एक्चुअली में इसका यूनिट होता क्या है वो हम समझते हैं ऐसे, वो क्या था, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। उसी तरीके से चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सिमिलरली एम्पियर, एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट मींस हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो है चार्ज अपॉन टी। तो यहां पे क्यू का मतलब क्या होता है, कूलम, और टी का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो अगर मैं ऐसा करूं कि वोल्ट के बदले ये डाल दूं और एम्पियर के बदले ये डाल दूं, तो क्या सिनेरियो हो सकता है? तो इन्होंने एक सिनेरियो लिया है कि एक वोल्ट है और एक एम्पियर है, तो हो जाएगा वोल्ट के बदले हमने क्या अभी पता किया था, जे अपॉन सी, जूल अपॉन कूलम, इनटू एम्पियर के बदले क्या था, कूलम अपॉन सेकेंड। अब यहां पे कूलम कूलम आपस में कट जाते हैं और बचता क्या है, ये वन वन है तो मल्टीप्लाई होकर हो गया वन, तो हो जाएगा वन जूल पर सेकेंड। तो पावर का यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर और दूसरा होता है जूल पर सेकेंड, और इसे एक और नाम दिया गया है, वो है वॉट, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू, और इसका एक और नाम क्या है, वो क्या है, वन जूल पर सेकेंड, और एक और नाम है वो क्या है, वोल्ट एम्पियर। आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था आपके बुक में, वो क्या था, जैसे कि अगर यहाँ पे रेसिस्टर ना लगा के हम एक मोटर लगा दे तो क्या होगा। मोटर का काम होता है किसी भी एनर्जी को चेंज करना मैकेनिकल एनर्जी में, तो यहां से जो करंट आएगा, करंट क्या है, एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए वो मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट से पहले मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड देन मैग्नेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।